आया ना था वो गुम हो गया, उसकी वो फटी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, उस पे वो बेल्ट उनके पड़े हुए हैं, तो वो ढूंढ रहे हैं, बंदा इनका गुम हो गया लगता है। ट्वीट की है कि इस कमेटी के पास कोई राइट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बताएं कि अब जो आप लोग बैठे थे तो क्या कुछ डिस्कस हो रहा है? आप कुछ नहीं डिस्कस हो रहा। हमारी रिकमेंडेशन पे स्पेशल कमेटी बनी थी कि एमएनएस के जो हमारे राइट्स है पार्लियामेंट के, उसके बारे में बात करें। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये जो लाना चाह रहे हैं, इसका तो ये मैंडेट ही नहीं। और मैंने यहाँ पे खुल के कहा है, और मैंने कहा इसके मिनट्स में ये डाले, और ये भी कहा है कि ये काजी फैज ईसा स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स है। चलें जी, तो आपने मौकिफ जान लिया इस वक्त। और अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ये कहना है कि तहरीके इंसाफ आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेगी। पार्लियामान की खसूसी कमेटी के पास आईनी तरमीम लाने का कोई मैंडेट नहीं है। हमारे एमएनएस की गिरफ्तारी पर खसूसी कमेटी बनाई गई थी। कमेटी का काम अरकान के हकूक और पार्लियामान में जिम्मेदारियों को देखना है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि तहरीके इंसाफ आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेगी। पार्लियामान की खसूसी कमेटी के पास आईनी तरमीम लाने का कोई मैंडेट नहीं है। हमारे एमएनएस की गिरफ्तारी पर खसूसी कमेटी बनाई गई थी। कमेटी का काम अरकान के हकूक और पार्लियामान में जिम्मेदारियों को देखना है। राइडर कहीं से आना था, वो गुम हो गया, उसकी वो फटी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, उस पे वो बेल्ट उनके पड़े हुए हैं, तो वो ढूंढ रहे हैं, बंदा इनका गुम हो गया लगता है। ट्वीट की है कि इस कमेटी के पास कोई राइट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बताएं कि अब जो आप लोग बैठे थे तो क्या कुछ डिस्कस हो रहा है? आप कुछ नहीं डिस्कस हो रहा। हमारी रिकमेंडेशन पे स्पेशल कमेटी बनी थी कि एमएनएस के जो हमारे राइट्स है पार्लियामेंट के, उसके बारे में बात करें। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये जो लाना चाह रहे हैं, इसका तो ये मैंडेट ही नहीं। और मैंने यहाँ पे खुल के कहा है, और मैंने कहा इसके मिनट्स में ये डाले, और ये भी कहा है कि ये काजी फैज ईसा स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स है। इसका चैलेंज जी, तो आपने मौकिफ जान लिया इस